मिड ऑप्शन जो कराया मिड फंक्शन, आज हम मिड प्लस फाइंड फंक्शन का प्रयोग करेंगे और यहां से ना हर नाम के अंदर से, हर नेम के अंदर से क्या करेंगे, यहां से हम पहला पहला अक्षर जो है वो निकाल लेंगे। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट इनिशियल ऑफ फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट इनिशियल ऑफ लास्ट नेम सेपरेट बाय स्पेस, बीच में सेपरेटर का मतलब है कि अलग अलग दिखाने हैं आपको। तो यहां पे क्या करना है, बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है। पहले आप ना फाइंड को समझो, फाइंड कैसे वर्क कर रहा है, इसमें सारा फाइंड का ही रोल है। कल वाली जो क्लास है इसमें कल फाइंड इवेंट क्लियर कराया था, आज दोबारा देखिए फाइंड फंक्शन। सपोज करो पहले हम कॉमन चीज फाइंड करते हैं, मुझे इसमें ना एस को फाइंड करना है, ध्यान देना मुझे पहला लेटर चाहिए एस। तो जो लेटर मुझे यहां चाहिए उसको हम क्या करेंगे, मैंने क्या करा, टाइप कर दिया कॉमा विद इन टेक्स्ट, कहां से करना है, यहां से। और स्टार्ट नंबर कैसे करें, वन से और एंटर। तो फर्स्ट पोजीशन मिला नहीं मिला इसे, और ये इसको क्या मिला, फर्स्ट पोजीशन पे इसको मिल गया। बट हमारा भी काम, ये तो मैंने पता चल गया कि भाई एस कहां पे है, पहली पोजीशन पे। आपने देखा होगा मैंने आपको लेफ्ट फंक्शन कराया था, लेफ्ट क्या करता है, उसे नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको बताने पड़ते हैं, वो आपको एज ए लेटर ला के देगा ना कि नंबर बताएगा। फाइंड क्या करता है, उसकी पोजीशन बताता है कि जो वर्ड आपने फाइंड करा है कि वो पहले नंबर से स्टार्ट करते हुए जाएगा और कितने नंबर पे वो लेटर उसको मिला है, ये तो फाइंड वाला करता है। अब हम करेंगे लेफ्ट फंक्शन, यहाँ पे क्या है लेफ्ट लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल लेफ्ट। लेफ्ट क्या करता है, टेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पे ना कॉमा डाल के क्या देना होता है कि भाई सॉरी टेक्स्ट क्या है, सॉरी टेक्स्ट तो मेरा यही है, टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है, वाले से हटाओ दोबारा सेलेक्ट करो कॉमा। अब ये कह रहा नंबर ऑफ करेक्टर लेफ्ट साइड से आपको कितने चाहिए, कितने चाहिए मुझे, मुझे तो एक चाहिए ना, पहला लेटर चाहिए पहले नाम में से। तो वन टाइप कर देंगे, नहीं कर देंगे दरअसल, और वन टाइप कर देंगे तो एंटर करूंगा मेरे पास एस आ गया, एस आ गया नहीं आ गया, तो एस तक तो हम पहुंच चुके। बट कंडीशन मेरे पास ये है कि स्पेस से मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा स्पेस के पहले अगले लेटर पे जाऊं। तो कल मैंने आपको फाइंड समझाया था, अगर मुझे स्पेस से अगले लेटर पे आना है आर पर, तो यहां मैं कैसे पहुंचूंगा। कल अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा हो, मैंने फाइंड किया था, पहले स्पेस फाइंड करा कॉमा, स्पेस कहां से करना है, यहां से करना है कॉमा। देखो हमें स्पेस से अगला लेटर चाहिए था, चाहिए था नहीं चाहिए था, तो यहां पे हमने क्या करा था, इसमें ब्रैकेट क्लोज करके इसमें प्लस वन किया था, नहीं किया था, एंटर करो। तो एट्थ नंबर पे क्या आ रहा है हमारा, देखो शिवम में कितने हैं, सिक्स सेवन और एट नंबर पे आ रहा, नहीं आ रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे ना हम मिड फार्मूले का प्रयोग करेंगे, उसमें जोड़ दूंगे हम किससे, एम परसेंट से। अगर आप यहां देखें, यहां पे मैंने एम परसेंट का यूज करके, मतलब बीच में क्या है डबल कोटेशन, ताकि स्पेस आए बीच में उसके लिए। मिड क्या करता है, मिड आपको पता है कि मिड में जो वैल्यू होगी उसको निकाल के ले आएगा। तो फाइंड मैंने अभी कराया आपको, फाइंड से कितना चाहिए। अब मिड मैंने पता है क्यों यूज करा है, मिड पूछ रहा है कि भाई टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट मेरा होगा ये, स्टार्ट नंबर कहां से करे, अभी मैंने फाइंड कराया था आपको कि ये यहां तक आ गया। अब ये कह रहा नंबर ऑफ कैरेक्टर मिड में से कितने चाहिए आपको, मिड में से कितने वर्ड आपको उठा के लेके आने। तो ये हमारा मिड, मिड क्या करेगा, एक वैल्यू को ले रहा है वहां से, तो इसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और देखो जोड़ेंगे कैसे, ऐसे यहां क्या करेंगे आप, एम परसेंट लगाएंगे, डबल कोटेशन स्पेस फिर एम परसेंट। अब यहां पे क्या लगा देना है, मिड फंक्शन, कल नहीं कराया मैंने मिड। अब टेक्स्ट तो आपका ये हो गया, कॉमा लगाएंगे, स्टार्ट नंबर तो फाइंड दे देंगे, अभी हमने समझा है फाइंड में क्या है हमारे पास, ये और इसमें क्या करेंगे प्लस वन कर देंगे। ध्यान दीजिए जब तक मैं फाइंड का काम कर रहा हूं तो मुझे यहां पे क्या करना होगा, जो फाइंड जो ऑप्शन है, अब नंबर ऑफ में क्या आ गया, ये आ गया नहीं आ गया, स्टार्ट नंबर यहां से आ गया। अब बचा नंबर ऑफ करेक्टर, इसको पैरामीटर को भी ध्यान देना है, कभी आप इसको भूल जाएं, तो इसमें क्या करना, कॉमा लगाइए। अब देखो मैं अगले पैरामीटर पे आ गया, नहीं आ गया, मिड का ही चल रहा है, मिड के अंदर ही मैंने फाइंड का यूज कर लिया है। और यहां पे क्या वन लेटर चाहिए, रैंडम आपके पास आगे नहीं आ गया वन लेटर। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले का यूज करके ना हर नेम में से उसका पहला लेटर आप ना एक्सेस कर सकते हैं, लेफ्ट फंक्शन और मिड फंक्शन का प्रयोग करके, जो कि हमने पिछली क्लासों में अच्छे ढंग से क्लियर समझाया इन चीजों को।
दोबारा देखते हैं, फिर से इसको ना एक साथ इकट्ठा जोड़ेंगे। अब फिर लेफ्ट यूज करा, टेक्स्ट क्या मेरे पास ये हो गया, कॉमा लगाएंगे, लेटर मुझे बंद चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एम परसेंट लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन फ्रेम परसेंट यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे मिड फंक्शन अप्लाई कर देंगे, टेक्स्ट क्या है आपका, टेक्स्ट ये हो गया, कॉमा लगाएंगे, स्टार्ट नंबर क्या है फाइंड से करें, क्योंकि मुझे स्पेस के बाद अगले लेटर पर पहुंचना है। तो हमने कल फाइंड फंक्शन समझा था कि अगले लेटर पर कैसे जाया जाता है, उसमें एक प्लस कर देते हैं हम विद इन टेक्स्ट, कहाँ से यहाँ से उसमें क्या कर देंगे प्लस वन कर दिया जाएगा, फिर कॉमा। अब मिड में क्या कहलाए कि मिड से आपको कितने लेटर चाहिए, मैंने एक यहाँ पे टाइप कर दिया और एंटर कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गया, नहीं आ गया, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अगला जो कंसेप्ट हमारे पास है, मेरे पास ना तीन नेम है, आप देख रहे हो एम्प्लॉय नेम है यहाँ पे शिवम सिंह राठौर, एस्ट्रैक द फर्स्ट इनिशियल ऑफ फर्स्ट नेम ऑफ ये कह रहा मिडिल से भी, और मिडिल का और लास्ट का कंप्लीट नेम चाहिए, मतलब पहले जो लेटर है शिवम और एस, इसमें से क्या चाहिए मुझे, उनके पहले पहले लेटर चाहिए नहीं चाहिए, और यहां से मुझे दोनों को घटाने के बाद राठौर बचना चाहिए। कंसेप्ट समझो, माइंड से थोड़ा सा हम सोचेंगे, पहला तो हमें करना है इसे रिप्लेस फंक्शन से, रिप्लेस से बहुत आसान है इसे कर पाना, फिर हम करेंगे इसे राइट फंक्शन से, ठीक है, इसको हम फिर राइट से करेंगे। अब देखिए इसे कैसे करेंगे वो समझो, क्या करना है यहाँ, मैं आपको एक बार फार्मूला दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है, फार्मूला से घबराना नहीं है किसी को, फार्मूला छोटा ही है, बस कंसेप्ट पकड़िए आप। लेफ्ट में क्या ले लिया आपने, मैं पहला लेटर निकालने के लिए मैंने पहला टाइप कर दिया, वही मिड यूज करा मैंने, फिर से वन लेटर, यहाँ तक तो भी कराया मैंने एक क्लास, यहाँ तक तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एम परसेंट लगा के यहाँ पर रिप्लेस लगा दिया, अब रिप्लेस करना कहाँ से स्टार्ट करना है, वन से स्टार्ट करूँ मतलब एस से स्टार्ट करूँ, और कहाँ तक करूँ, जहाँ तक मुझे अगला स्पेस मिले, भाई फाइंड करें तो स्टार्ट पोजिशन हमने कहाँ से दी, जहाँ पर स्पेस मिले और उससे अगले स्पेस पर वो जाए, ताकि उसमें एक प्लस कर दिया, और नया करंट लेटर हमें चाहिए नहीं तो वो हटा देगा उसको। अब इसको समझिए, इसको डिलीट मारा हमने, क्या करा, इक्वल टाइप किया, और सबसे पहले क्या है लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे, लेफ्ट में क्या है आपका टेस्ट ये हो गया, कॉमा प्रेस करेंगे, वन ले लिया हमने, फिर हमें क्या लगाना है इधर, एक तो आ गया, अब यहाँ पे दोबारा से एम परसेंट स्पेस, फिर आप क्या लगा देंगे मिड फार्मूला, मिड फार्मूले में क्या लेना है टेक्स्ट, तो मेरा ये हो गया, कॉमा लगाएंगे, कॉमा, उसके बाद स्टार्ट नंबर कहाँ से करूँ फाइंड से, कॉमा विद इन टेक्स्ट कहाँ से, यहाँ से, अब इसमें क्या करेंगे प्लस वन कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, अब कह रहा है मिड में कि नंबर ऑफ कटर कितने चाहिए आपको, मुझे चाहिए वन, तो यहाँ पे एक सेकेंड एम परसेंट लगाना भूल गए इधर, यहाँ पे एम परसेंट टाइप कीजिए और एंटर कीजिए, तो आप कैसे आ गए। अगर मैं क्या करूं, ये दो नेम को घटा दूं इसमें से, इन दो नेम को हटा दूं, तो लास्ट में लास्ट बचेगा नहीं बचेगा। अब इसको देखिए रिप्लेस फंक्शन में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, जहाँ पे क्या लगाएंगे एम परसेंट लगाएंगे, डबल कोटेशन स्पेस बार, फिर डबल कोटेशन फ्रेम परसेंट, और यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट क्या है, दिस इज ओल्ड टेक्स्ट, कॉमा, स्टार्ट नंबर कहां से करें वन से करें, कहां तक करें जहां तक अगला स्पेस मिले, तो क्या यहां पे फाइंड लगाएंगे, फिर यहां पे डबल कोटेशन विद इन टेक्स्ट कहां से, यहां से, तो स्टार्ट नंबर तो मैं इसे मैनुअली तो दे नहीं सकता, तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए एक और फाइंड लगाना पड़ेगा हमें इसके अंदर, कॉमा कहां से, यहां से, और इसमें क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके एक ना प्लस कर देंगे, ताकि मैं अगले स्पेस तक पहुंच जाऊं। मैं पहले क्या करेगा फाइंड जो ये फंक्शन लगाना अंदर वाला, ये जो लगाया हमने, ये सेकंड जो लगाया, इसका मतलब है कि ये फाइंड करते हुए स्टार्टिंग करेगा फर्स्ट से, पहला स्पेस मिल गया उसको क्या करेगा, मैंने जो प्लस वन कराया ना ये सीधा एस पे आ जाएगा, एस पे आने के बाद क्या करेगा फिर ये इस स्पेस पर आ जाएगा, इसलिए मैंने इसे प्लस वन कर रखा है, मैं वन हटा दूंगा तो क्या करेगा पहला स्पेस उठा लेगा ये, तो ठीक है। अब यहां पे हम क्या है, स्टार्ट नंबर हमारे यहां से हो गया, और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज आएगा, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें क्या रिप्लेस नहीं दिए, तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट में कुछ चाहिए नहीं, तो यहाँ पे आप विदाउट ये टाइप कर दीजिए, एंटर कीजिए, तो आपका नाम जो है ना वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कल मैंने आपको जो फाइंड फंक्शन समझाया था, यहाँ पे ना फाइंड का कंसेप्ट वो ही चल रहा है दीदी, आप इसे पूरा चेक करना चाहते हो कैसे कैसे वर्क कर रहा है, जैसे आप रिप्लेस को चेक करना चाह रहे हो, ओल्ड टेक्स्ट तो ये हो गया, स्टार्ट नंबर कहाँ से करे वन से करे, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कहाँ तक
हटाए, कितने को बदल दे, तो इसलिए हमने फार्मूला यूज करा है, न्यू टेस्ट में कुछ चाहिए नहीं, तो हमारा ब्लैंक आ जाएगा, वो खाली कर देगा उसको, तो यानी कि आगे का जो एरिया था वो खाली हो गया, बचा क्या, राठौड़ी तो बचेगा मेरे पास, ये घटाने के बाद ये हट जाएंगे ना स्पेस, सेकंड स्पेस का डेटा गायब, वो चला गया, तो राठौड़ बचा नहीं बचा। अब इसी को हम क्या है यूज करेंगे अब राइट फंक्शन से, बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है ये भी। क्या करना है आपको, पहले इसकी लेन, पिछली क्लास में देखा था कि हम पहले लेन निकालते हैं राइट साइड से, जहां सेकंड स्पेस मिलता है उसमें घटा देंगे, तो क्या बचेगा, लास्ट का नहीं बचता, नहीं बचता हमारे पास। तो इसके लिए सेम कंसेप्ट आपको ये लगाएंगे, और ये देखिए बहुत ही आसान कंसेप्ट है, और यहाँ पे हम इसको ना डिलीट करो। अब क्या करना है, पहले इक्वल टाइप करना है, उसके बाद हम क्या टाइप करेंगे, पहले तो लेफ्ट ही लगाएंगे क्योंकि पहला नाम चाहिए मुझे, और कॉमा कितना, एक चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या करेंगे एम्परसेंड स्पेस, फिर क्या लगाएंगे एम्परसेंड, फिर यहाँ से मिड, फिर क्या है ये लेटर है, कॉमा कितने चाहिए, कितने चाहिए मुझे, तो फाइंड लगा देंगे इधर, डबल कोटेशन, डबल कोटेशन, कॉमा विद इन टेस्ट, कहाँ से, यहाँ से, तो इसमें क्या करेंगे प्लस वन कर देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये नंबर ऑफ करेक्टर हमें मिड, तो हमें एक चाहिए ना, पहले इसको ब्रैकेट करो क्लोज, फिर कॉमा, एक सेकेंड, है ना, कॉमा लगा के ना आपको वन देना है, कॉमा लगा के वन, मिड का वन चाहिए, तो यहाँ तक हम पहुँच गए, हाँ तो हम आ गए। अब हमें राइट साइड से क्या करना है, वो नेम निकालना, तो एम्परसेंड लगाएंगे फिर से, यहाँ पे क्या करेंगे वही डबल कोटेशन स्पेस, डबल कोटेशन फिर एम्परसेंड, और यहाँ पर राइट फंक्शन अप्लाई कर दीजिए। राइट क्या है, टेक्स्ट क्या आपका ये हो गया, ठीक है, कॉमा, ये कह रहा है। अब इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको, लेंथ एलियन लेंथ, किसकी लेंथ, इसकी लेंथ ये, और माइनस क्या कर दें, फाइंड फंक्शन, मतलब पहला स्पेस ये कॉमा, और विद इन टेस्ट कहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे, फिर एक और फाइंड फंक्शन लगाएंगे जो भी लगाया था हम थोड़ी देर पहले, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसमें क्या करेंगे अगले स्पेस तक जाने के लिए इसमें ना क्या कर देंगे ब्रैकेट क्लोज करके प्लस वन कर दिया जाएगा। ये देखिए जो कल मैंने आपको फाइंड कराया, मैंने फिर से यहाँ पे उसका यूज कराया, रिप्लेस मैंने आपको पहले करा दिया था वो इसमें यूज हुआ है, लेफ्ट मैंने आपको कराया था वो इसमें यूज हुआ है, राइट मैंने कराया वो इसमें यूज हुआ है, मिड मैंने आपको कराया वो भी इसमें यूज कराया। देखो हमने एक साथ ना अनेक फंक्शनों को जोड़कर भी इस तरीके से नाम को हम निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को, आगे देखिए एक बार कल वाली क्लास का मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आपके पास ये नेम है, ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ से लास्ट नेम को निकालना है यूजिंग द राइट फंक्शन एंड रिप्लेस फंक्शन, ठीक है, हमें क्या करना है राइट फंक्शन का प्रयोग करना और रिप्लेस का यूज करना, और वहाँ से क्या लास्ट नेम को अलग निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इक्वल टाइप करेंगे राइट, टेस्ट क्या आपका, टेस्ट तो यही है, कॉमा लगाएंगे, अब नंबर ऑफ करेक्टर, अब नंबर ऑफ करेक्टर तो मुझे नहीं पता, पहले इसकी मैं अगर लेंथ निकाल दूं, लेंथ निकाल के सेकंड स्पेस तक मैं माइनस कर दूं तो लास्ट शायद बचेगी नहीं बचेगी मेरे पास, तो यहाँ पे क्या पहले लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ किसकी लेंथ, इसकी लेंथ, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, तो माइनस क्या कर दें, मैंने अभी समझाया फाइंड, तो सेकंड स्पेस तक जाने के लिए आपको क्या करना है दोबारा से एक और फाइंड आपको यूज करना है उसके अंदर, फिर से यहाँ पे इनिशियल स्टार्ट नंबर के लिए कॉमा, यहाँ आ गए हम, फिर क्या करना है ब्रैकेट क्लोज प्लस इसमें वन कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो लास्ट नेम है वो बच जाएगा, बच गया नहीं बच गया, क्योंकि सेकंड स्पेस तक तो मैं पहुंच गया, सेकंड स्पेस इसे जहां मिला उतने लेटर ये क्या करेगा उसमें से ना ये घटा देगा, ये घट जाएंगे आपका, जो बचेगा ना वो क्या बचेगी सेकंड स्पेस के बाद जो आपका लास्ट नेम लिखा हो वो बच जाएगा। तो ये हमने पहला तरीका समझा राइट फंक्शन से कैसे करें। अगला है रिप्लेस से कैसे करेंगे, तो रिप्लेस से हमें करना पहले से स्टार्ट करना और सेकंड वाले स्पेस तक हटाना है उसको, तो हम इक्वल टाइप करेंगे यहाँ पे रिप्लेस, ओल्ड टेस्ट क्या है, दिस इज ओल्ड टेस्ट, कॉमा पहले नंबर स्टार्ट करें, कॉमा स्टार्ट नंबर कितने हटाएं, कितने लेटर हटाने, तो यहाँ पे क्या फाइंड लगाएंगे फिर से डबल कोटेशन कॉमा, फिर यहाँ पे क्या है टेस्ट क्या है A17 कॉमा, फिर उससे दोबारा फाइंड लगाएंगे अगले उस पर पहुंचने के लिए स्पेस तक, कॉमा विद इन टेस्ट कहाँ से, यहाँ से, अब इसमें क्या करना है हमें
बस प्लस वन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा प्लस वन। अभी यहाँ एक सेकेंड फाइंड, यहाँ पे ना न्यू में कुछ चाहिए नहीं, तो यहाँ पे कॉमा डाल के एक सेकेंड रिप्लेस का हमारा, रुकिए जिन्होंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, हाँ कॉमा डालेंगे अब क्योंकि रिप्लेस चला हुआ है ना, फाइंड तो बंद कर दिया, यहाँ पे न्यू में कुछ चाहिए नहीं, ब्रैकेट को जरा एंटर कर दीजिए, आपका तनवर आगे नहीं आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पहले जो लास्ट नेम है आप उसे निकाल सकते हैं। मैं आपसे कहूँ आपको फर्स्ट नेम निकालना है, फिर कैसे निकालोगे? मैं आपसे कहूँ इनमें से ही आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम अलग करना है और मिडिल नेम अलग निकालना है और लास्ट नेम अलग निकालना है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या जाए, यहाँ पे आपका आए मिडिल नेम, यहाँ पे आना चाहिए आपका फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इधर आए और यहाँ पे क्या है मिडिल वाला नेम आए, मिडिल नेम आए और यहाँ पे क्या है लास्ट नेम आ जाए। अब इसको कैसे करेंगे, पहला नेम निकालने के लिए बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना आपको, लेफ्ट फंक्शन लगाइए और यहाँ पे क्या करना है टेक्स्ट, तो ये हो गया, इसमें क्या ढूंढना है, इसमें फाइंड फंक्शन लगा के हमें ना स्पेस, पहला वाला स्पेस ढूंढना स्टार्ट कर देगा, तो कहाँ से ढूंढना है यहाँ से, स्टार्ट नंबर में दे दीजिएगा, तो पहला नेम आ गया नहीं आ गया, पहला नेम आ गया हमारे पास, पहला निकल के आ गया। अब मिडिल नेम कैसे निकालें, मिड नेम निकालना हमें, अब सिंह सिंह कुमार कुमार कुमार, तो इक्वल टाइप करेंगे, तो यहाँ पे क्या कल मैंने मिड फंक्शन कराया था आपको, मिड यूज करेंगे, टेक्स्ट क्या है दिस इज टेक्स्ट कॉमा, स्टार्ट नंबर कहां से करें, स्टार्ट नंबर, तो हमें यहां पे ना फाइंड फंक्शन लगा रहा, मैं ना स्पेस स्टार्ट कर रहा हूं, फाइंड लगाएंगे कॉमा कहां से, यहां से, फिर हमने क्या करा अगले स्पेस पर जाने के लिए इसी में क्या है मैंने प्लस वन किया था नहीं किया था भाई, अगले स्पेस पर तो नहीं पहुंचेंगे, तो यहां पे ना नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए दोबारा से आपको यहां पे फाइंड फंक्शन फिर लगाना है, फाइंड फंक्शन आपको फिर अप्लाई करना है। अब इसमें क्या है कॉमा विद इन टेक्स्ट कहां से, यहां से, अब हमें क्या करना है यहां से ना मिड वैल्यू को निकालना है हमें यहां से, तो मिड वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे इधर, इसमें से क्या प्लस करें क्या माइनस करें, ताकि इसमें से मुझे क्या करना है फर्स्ट नेम को ना माइनस कर देना है भाई, सेकेंड स्पेस तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, सेकेंड तक तो मैं आ गया, अगर हम यहाँ चेक करें ये वाला जो है यहाँ पे F9 करके चेक कीजिए हम कहाँ हैं, पांच नंबर पोजिशन पे है नहीं है, पर देखो मैं सिंग पे आ गया, तो मुझे क्या करना है सिंग तक तो मैं पहुंच गया, मुझे क्या करना है ये पहला नेम इसमें से घटा देना है, स्पेस तक तो घटेगा ये पहला वाला जो पार्ट हो घटाना पड़ेगा मुझे, तो क्या करेंगे यहाँ हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके आपको यहाँ माइनस करना है क्या फाइंड, इसमें से पहला स्पेस जब घटाएंगे हम विद इन टेस्ट कहाँ से, यहाँ से एंटर कीजिए, तो इसलिए गलत आया आंसर, एक सेकंड अब गलती है कुछ ना कुछ, मिड टेक्स्ट ये हो गया, स्टार्ट नंबर हमने यहाँ से दे दिया F9 फाइव से स्टार्ट हो रहा है इधर भी, ठीक है, फिर हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर हमने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे हम आए, तो यहाँ पे आने के बाद हमने पहला स्पेस उसे माइनस किया, तो अभी यहाँ पे गड़बड़ है, विद इन टेक्स्ट हमने यहाँ दे दिया, हम अगले स्पेस पर पहुंच गए, मतलब हमें यहाँ तक आना है, तो इसमें भी ना प्लस वन करना होगा हमें फिर से, प्लस वन, गलत कैसे उठा रहा है वैल्यू, इसको छोड़ो, हम अभी लास्ट नेम पे आ रहे हैं फिलहाल, राइट फंक्शन लगाएंगे इधर, और राइट में हमारा क्या है ये फंक्शन कॉमा, तो राइट में अगर हम जैसे पहले यूज करते थे, पहला वाला कंसेप्ट समझना, हम पहले क्या करते थे हमने लाइन लगाई, और लाइन में से हम पहले करते थे कि हमने इसमें से क्या करा ब्रैकेट क्लोज करके यहां से माइनस कर दिया करते थे, क्या चीज स्पेस को माइनस करते थे नहीं करते थे, पर इसमें दिक्कत क्या आती है पहले वाले इसमें देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या जनरेट होगी, अभी कॉमा विद इन टेस्ट कहां से, यहां से रेंट कीजिए, तो इसमें ना ये क्या कर रहा है ये लास्ट वाला स्पेस हटा रहा, मतलब पहला स्पेस उसने हटा दिया पर बाकी तो दो नेम बच गए ना, पर तो मुझे सेकंड स्पेस तक पहुंचना फाइंड आउट करते हुए, मुझे आना सेकंड स्पेस तक, तो सेकंड तक हम कैसे आएंगे, इसमें क्या करेंगे प्लस वन कर देंगे नहीं कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे प्लस वन, यहाँ पे ना पोजिशन जो है आपको वो वहां पे देनी होगी, तो इसके लिए क्या करना है कॉमा डाल के हम फाइंड से फिर से स्पेस स्पेस कॉमा, क्या करना है हमें यहां से फाइंड आउट करना है, और इसमें क्या करेंगे हम अब इसमें प्लस वन कर देंगे, ऐसा ही था ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और राइट से मुझे कितने लेटर चाहिए थे
एंटर करो, तलवार आगे नहीं आ गया, मतलब वो जो है ना यहां तक क्या है सेकंड स्पेस तक ना उन वर्डों को हटा देगा, तो लास्ट के वर्ड हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पे। अब मिड पे बात आती है, तो मिड जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे? इसमें एक फंक्शन छूटा हुआ है, अभी एक फंक्शन कैसे छूटा हुआ है, पहले ना इसकी हमें क्या करना है, पहला जो स्पेस है वो दोबारा घटाना पड़ेगा मुझे। यहां तक तो हम आ गए, ये पहला मेरा काम जो यहाँ पे पूरा हो गया, ये तो मेरा हो गया पूरा काम पहला यहाँ पे। फिर दोबारा से यहाँ क्या करना है हमें, अब नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा है ना कितने हमें चाहिए, तो हम माइनस करके यहाँ पे ब्रैकेट माइनस वही फिर फाइंड, ये चल नहीं रहा है ऐसे कैसे, एफ टू ये हो गया कॉमा, फिर हमने लिया टेक्स्ट यहाँ से कॉमा, यहाँ भी फाइंड पोजिशन दी दोबारा से, अगले स्पेस तक पहुँच गए हम, तो यहाँ पे क्या करना है कॉमा लगा के और विद इन टेक्स्ट यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंटर कीजिए, हम देखते कहाँ तक आ रहा है, अरे ये वैल्यू तो नहीं उठा रहा है, एक मिनट जैसे ये हम यहाँ तक पहुँचे इसने क्या करा प्लस प्लस ही लगाया ना, यहाँ स्टार्ट करे ना ऐसे, वो दोबारा जो फाइन लगाया ना ये फिर दोबारा फर्स्ट स्टार्ट कर देगा, ये दोबारा फिर से फर्स्ट स्टार्ट कर देगा लास्ट के लिए हम एंड में लगा देते हैं। हाँ ये क्या कर रहा है, ये कर तो वही काम रहा है भाई, पोजीशन जैसे हम चेक करते हैं, जैसे ये कह रहा है मैं जैसे यहाँ आ गया मिड पे आइए, पहले ये कह रहा है मैं एफ नाइन करूंगा तो ये कहेगा भाई पांच में पहुंच गया नहीं पहुंच गया, ठीक है तो ये पांच से ढूंढना स्टार्ट कर रहा है। जब मैं दोबारा फाइन लगाया था ना तो पहले कहेगा उसके पास पहले से ही ढूंढना है, परंतु मैंने सिर्फ प्लस वन में इसलिए कर दिया है इसके अंदर ताकि ये ना इसको छोड़कर अगले स्पेस पर पहुंच जाए, क्योंकि फाइव से ही तो आना पड़ेगा ना मुझे, फाइव स्टार्ट करूंगा तभी अगला स्पेस मिलेगा मुझे, राम में कितने हैं एक स्पेस में चार, तो पांच से ही तो करेंगे हम स्टार्ट तभी तो हम अगले स्पेस से पहुंचेंगे। अब इसको देखिए टेस्टिंग के लिए, अब यहाँ पे हम विद इन टेस्ट कहाँ से, ये तो हमारा आ ही रहा है, अब यहाँ पे आओ स्टार्ट नंबर, ये एक्टिव नहीं है इसमें, एक सेकेंड यहाँ पे हम आए, ये हो गया स्टार्ट नंबर यहाँ पे पूरा तो घटा रहा है, पर ये दिक्कत ये है इसमें सिंह हमें बचाना है, ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर रहा है, कंसेप्ट समझो उसके जो बेसिक लेवल के हमने कल समझे थे, हमने लिखा इक्वल, पहले मैं फाइंड कर देता हूँ क्या, पहले ना यहाँ पे फाइंड कर लीजिए सीधा सेकंड स्पेस फाइंड कर लो कितने नंबर पर है वो, ठीक है तो सेकंड स्पेस तक जाने के लिए क्या करना होगा मुझे, मतलब पहले हम यहाँ पे आए फिर कॉमा करके फिर फाइंड करना पड़ेगा, ये सेकंड स्पेस की अलग पहचान है इसमें, कॉमा विद इन टेस्ट कहाँ से यहाँ से, तो इसमें ना प्लस वन कीजिए, ये देखिए कि वो पहला वाला जो सेकंड जो स्पेस है वो कितने नंबर पर है, वो टेन नंबर पर दिखा रहा है, ठीक है टेन नंबर पर आ गया, मतलब मैंने क्या करा पहला स्पेस जो है मैंने वो पूरा निकाल दिया, सेकंड स्पेस यहाँ पर है ये टेन पोजीशन दिखा रहा है। अब मुझे क्या निकालना है फर्स्ट स्पेस निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो पहला स्पेस निकालने का तरीका क्या, ये कॉमा विद इन टेस्ट कहाँ से यहाँ से, तो कितना आ रहा है चार आ रहा है, पर इसमें स्पेस ही तो शामिल है इसके अंदर, जबकि मुझे क्या चाहिए स्पेस ही घटाना होगा, क्योंकि जब यहाँ देखेंगे तो इसमें स्पेस ही शामिल है, चार नंबर पर दिखा रहा नहीं दिखा रहा, तो स्पेस घट जाएगा इधर साइड, तो सिंग पे तो हम पहुंच ही जाएंगे बाई डिफॉल्ट, तो यहाँ पे हम क्या करें हमें इक्वल लिखा और इसमें से ना ये यदि मैं माइनस कर दूँ ये वाला वर्ड तो इसमें छः बच रहे हैं, तो आप देखिए सिंग में छः तो नहीं है ना, सिंग में कितने पाँच है ना, तो इसमें से ना आपको एक माइनस और करना होगा, ये तब कैलकुलेशन आ रही है आपकी, ये आना चाहिए आंसर, देख रहे हो आंसर ये आना चाहिए हमारा। अब ये कैसे कैसे निकालना है ये हमें इसका निचोड़ निकालना होगा, फिर से इसमें से क्या करा है माइनस कराए मैंने फर्स्ट वाले स्पेस को, देख रहे हो इसमें से माइनस कराए फर्स्ट वाले स्पेस को, तो फार्मूला दोबारा देखते हैं, हमें लिखा इक्वल मिड फंक्शन, मिड वैल्यू में क्या लेना ये कॉमा, पहले सिंपल लगा देंगे हम जो हम लगाते हैं नॉर्मली, ये कॉमा, फिर हमने क्या करा यहाँ पे विद इन टेक्स्ट यहाँ से प्लस क्या कर दिया इसमें वन कर दिया, जो हमने सिंपल अब तक हम करते आए थे, ठीक है यहाँ तक तो हमारा हो गया ये। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो फाइंड पहले कंप्लीट स्पेस तक हम पहुंचेंगे अगले स्पेस तक, यहाँ तक हमारी टेन पोजिशन दिखा रहा है, तो विद इन टेस्ट कहाँ से कॉमा नहीं लगाया हमने, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, विद इन टेस्ट कहाँ से यहाँ से कॉमा, अगले स्पेस की पोजीशन फाइंड पता करने के लिए मुझे दूसरा फाइंड यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा कॉमा, फिर क्या करेंगे विद इन टेस्ट कहाँ से यहीं से ही, तो अगले पे कैसे पहुंचा जाएगा,
तो प्लस वन करके मैं आ जाऊंगा। तो यहां देखिए मैं सिंह तक तो पहुंच गया ना, सिंह तक तो दिखा रहा है परंतु ये पहला से फेस कर रहा है। पर इस मशीन हमें क्या करना है, पहला वाला यदि मैं घटा दूं, सिंह में घटा दूं, सॉरी ये तनवर घट जाए उसमें से, तो हमारे पास क्या बचेगी, इसमें लेंथ ही हो गया है, फिर से इक्वल लिखा और हमने क्या करा, इस टेन में से बस सेकंड पोजीशन तक पहुंच गया, इसमें से क्या घटाना है, पहले वाले स्पेस मुझे माइनस करना है, पहले वाले स्पेस क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो पहले तो पोजीशन लगाई थी हमने ये, फिर लगाया ये, फिर लगाया ये, अब इसमें देखो कौन सा लगाना है मुझे, अभी पहले तो यही लगाना पड़ेगा दोबारा से, फिर ये लगेगा, फिर माइनस होकर ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फाइंड कॉमा विद इन टेस्ट कहाँ से, यहाँ से, फिर कॉमा, अब स्टार्ट नंबर कहाँ से दें, तो अगले स्पेस तक ही पहुँच जाए, तो उसमें से ना पहला स्पेस माइनस कर दे। सर यहाँ फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ अभी रुकिए हम देखते हैं, फाइंड कॉमा, ये फंक्शन थोड़ा पेचीदा होता हमेशा, फिर हमें क्या करना है इसमें से माइनस कर दें अगला वाला फाइंड, मतलब ये ब्रैकेट को करके इसमें से माइनस कर दीजिए अगला वाला फाइंड वाला, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड में से पहला स्पेस माइनस कर दो बस इस टोटल लेंथ में से, कॉमा विद इन टेक्स्ट यहां से। अरे ये वैल्यू क्यों नहीं आ रही है इसमें आज, ये 10 पे करना है इसमें, ये 10 नीचे लिखा है 10 पे, तो हम आ गए ये फाइंड, जैसे हमने वो तो मैं सेकंड पोजीशन में पहुंचा हूं, ये हम पहुंच गए जिसमें हमने फिर स्पेस फाइंड कराया, फिर इसमें से ना पहला स्पेस माइनस कराया मैंने, पूरी टोटल लेंथ में से पहला स्पेस वो माइनस कराया हमने इधर, ये यहाँ पे अपने फाइंड लिमिट का फाइंड आया है ना, यहाँ पे टेन वाला लगाना पड़ेगा, जो टेन पे लगाया हमने, यहाँ प्लस वन नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर दोबारा फाइंड लगा के फिर उसमें प्लस वन करना पड़ेगा शायद, जैसे सुमन बता रही थी। फॉर्मूले में ना कहीं हम इसे मिस्टेक कर रहे हैं, कोई बात नहीं।